वेलकम स्टूडेंट्स वेलकम टू माई YouTube चैनल होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल इन योर स्टडीज़ सो टूडे आई विल स्टार्ट आर न्यू चैप्टर दैट इज़ द ट्राइंगल एंड इन प्रॉपर्टीज दिस इज़ अ इंट्रोडक्टरी वीडियो सो स्टार्ट स्टूडेंट्स सो वट इज़ ट्राइ सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ट्राइंगल होता है क्या है है ना ट्राई मीन्स थ्री एंगल मीन्स एंगल्स जिसमें थ्री एंगल्स होते हैं दिस इज कॉल्ड अ ट्राई एंगल सो हेयर इज अ फिगर दैट इज़ अ ए बी एंड सी इसमें आप देखोगे एक क्लोज फिगर है जिसमें कितनी साइड्स है वन टू थ्री साइड्स है और थ्री एंगल है वन टू एंड थ्री सो ये क्या हो गया ट्राइंगल हो गया ठीक है इसको क्या बोलते हैं ट्राइ और इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं लाइक दिस किसी ट्राइंगल की बात की जाए तो इस तरीके का सिंबल हम यूज़ करते हैं ठीक है ठीके? अब इसमें कितनी साइड्स हैं देखा जाए तो ए बी एक साइड है बी सी एंड द ए सी ये सारी साइड्स है तो इसको लिखते कैसे हैं ए बी ऐसे लिख के इसके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं इट मीन्स ट्राइंगल की एक comma, BC, ये एक साइड है कॉमा बी सी ये एक साइड हो गई इसके ऊपर लाइन कॉमा ए सी इसके ऊपर एक लाइन तो ये क्या हो गई साइड्स हो गई ट्राइ की अब एंगल कौन कौन से हैं एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी थ्री एंगल तो कैसे लिखेंगे एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी आर द ट्राइंगल ऑफ आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल अब इसको ना एक तरीके से और लिख सकते हैं जैसे ये एंगल ए की बात करें तो हमेशा जो एंगल की बात करते हैं वो हमेशा सेंटर में आता है किसके जैसे हम एंगल ए को लिख सकते हैं बी ए सी इट मीन्स एंगल किस पे बना है ए पे और कहाँ से स्टार्ट हुए बी ए सी तो क्या लिखेंगे इसको एंगल बी ए सी अब एंगल बी की बात करते हैं तो क्या लिख सकते हैं ए बी सी एंगल ए बी सी कॉमा सी रह गया ए सी बी एंगल ए सी बी ठीक है अब आते हैं ट्राइ ट्राइंगल में क्या होते हैं वर्टिसज होते हैं वर्टिसज मीन्स कॉर्नर्स जैसे कितने कॉर्नर्स है वन टू एंड थ्री तो हम क्या लिखेंगे वर्टिसेस कौन कौन से हैं एंड सी आर द कॉर्नर्स ऑफ ट्राइंगल और ऑफ वर्टिस ओके अब आता है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल कितने टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं ये थ्री टाइप्स के होते हैं दिस इज अ स्केलिन ट्राइंगल आइसोस्केलेस ट्राइंगल एंड द इक्वेलेटर ट्राइंगल अब जो स्केलिन ट्राएंगल होता है उसमें क्या होता है जो थ्री साइड्स होती हैं ट्राएंगल की वो तीनों सेम लेंथ की होती हैं सॉरी स्केलिन ट्राइंगल में जो तीनों साइड्स uh, होती हैं वो डिफरेंट साइजेस की होती हैं लाइक like अगर ये थ्री सेंटीमीटर है एंड दिस इज अ फोर सेंटीमीटर एंड दिस इज अ फाइव सेंटीमीटर तो इस टाइप के ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे स्केलिन ट्राइंगल सो क्या लिखेंगे हम ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर डिफरेंट उसको हम बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल ठीक है अब है आइसोस्केलस ट्रायंगल ट्राइंगल ट्रायंगल ट्राइंगल क्या होता है कि जिसमें टू साइड्स जो होती हैं ट्राइंगल की वो दोनों सेम होती हैं जैसे अगर ये सिक्स सेंटीमीटर है और हम इसको माने फाइव सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो फाइव सेंटीमीटर तो इस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे आइसो ट्राइंगल क्योंकि इसकी दो लेंथ जो है साइड्स की वो सेम है सो टू साइड्स आर इक्वल उसको हम क्या बोलते हैं आइसो स्केलेस ट्राइंगल ओके नाउ कम्स टू द इक्विलेटल ट्राइंगल ठीक है इक्विलेटल ट्राइंगल में हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी ट्राइंगल इक्विलेटल इक्विक के नाम से समझ में आ रहा है इक्वी मतलब इक्वल ऑल फोर साइड्स आर ऑफ सेम साइज सारी तीनों जो साइड्स हैं वो सेम साइज़ की होंगी लाइक फोर सेंटीमीटर की ये है फोर सेंटीमीटर की अनदर होगी फोर सेंटीमीटर की ही थर्ड हो गई ऐसी कोई भी साइज हो सकता है उसको क्या बोलते हैं हम इक्विलेटर सो ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल द इक्विलेटरल ट्राइंगल ओके टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू द एंगल्स राइट सो वन इज द एक्यूट एंगल एन अनदर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड दर्ड इज अ उूज एंगल ट्राइंगल ठीक है एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है जिसमें सारे जो एंगल्स होते हैं ना वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं तो इसमें हम क्या देख रहे हैं इसमें एंगल्स क्या एक हैवेंटी का है सिक्सटी का है एंड फिफ्टी का है ये तीनों के तीनों नाइन्टी डिग्री से कम है ना तो इस एंगल ट्राइंगल को बोलते हैं हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल सो ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइ आर लेस देन 90 डिग्री ओके ना राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है जो एक एंगल होता है ना वो 90 डिग्री का होता है सो so, इस ट्राइंगल में हम देखते हैं ये एक जो एंगल है ये 90 डिग्री का है तो इसको क्या बोलते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री दिस इज कॉल्ड एज द राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है अपट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है अपट्यूज़ एंगल जिसमें वन जो एंगल होता है ना ट्राइंगल का वो होता है ग्रेटर देन नाइन्टी डिग्री उसको बोलते हैं हम अपट्यूज एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज ग्रेटर देन नाइन्टी डिग्री ठीक है मान लिया ये वन ट्वेंटी डिग्री तो ये वन ग्रेटर देन नाइन्टी डिग्री है ना तो इस वाले ट्राइंगल को बोलते हैं हम अपटूज ट्राइ एंगल ओके ना अनदर टाइप ऑफ आता है इसमें एक फाइंड आउट होते हैं कि another topic है कि अनदर टॉपिक है दैट इज अ मीडियम ऑफ ट्राइंगल देखो मीडियन ऑफ ट्राइंगल मीडियम से पता चलता है मीडियम है ना बीच में सो so, मीडियम कैसे बनता है एक ट्राइंगल का जब एक वर्टिस एक कॉर्नर से उसकी ओपोजिट की जो साइड है उसका सेंटर पे जो लाइन ड्रॉ होती है दैट इज़ कॉल्ड अ मीडियम ठीक है जैसे ए एक वर्टिस है उसकी ओपोजिट कौन सा लाइन है साइड है ए बी सी ये मान लिया ये पूरी की पूरी है फोर सेंटीमीटर की है तो इसका मीडियन क्या हुआ टू सेंटीमीटर के यहाँ पे मीडियन हुआ तो जो लाइन इन दोनों को कनेक्ट करती है दैट इज कॉल्ड अ मीडियन ठीक है ऐसे ही सी है सी के ऑपोजिट साइड क्या है ए बी उसका सेंटर है ये तो उसको और ए बी के सेंटर को जो लाइन कनेक्ट करती है दैट इज कॉल्ड अ मीडियन बी बी के ऑपोजिट साइड है ए सी बी वट इसट साइड का मीडियम को जो कनेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ओके नाउ कम्स टू द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल एल्टीट्यूड क्या होता है हाइट बोलते हैं जिसको ट्राइंगल की सो दिस इज अ वन टाइप ऑफ अ ट्राइंगल तो इसमें एल्टीट्यूड क्या होगा इस ट्राइंगल की हाइट कितनी ये है ना ए बी तो इसको बोल देते हैं हम एल्टीट्यूड ठीक है अब इस ट्राइंगल में देखें ये ट्राइंगल है तो तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी तक तो इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं नाइनटी डिग्री पे बनता है एल्टीट्यूड तो ये क्या हो गई ये इस गईल का एल्टीट्यूड हो गया ओके okay? ये टाइप का ट्राइंगल आता है अपट्यूज एंगल ट्राइंगल है ना ऑप्ट्यूज होता है दैट इज अ ग्रेटर देन नाइन्टी डिग्री सो इसका एल्टीट्यूड कहाँ होगा हाइट जो होती है वो हमेशा नाइन्टी डिग्री पे होती है तो अपट्यूज एंगल का जो एटीट्यूड होता है वो ऑलवेज एक्सटीरियर होता है ट्राइंगल के सो इसकी हाइट कितनी है ट्राइंगल के मैक्सिमम दिस वन दिस इज़ 90 डिग्री तो so, इसका जो अपट्यूज एंगल का ट्राइंगल होगा वो हमेशा कहाँ होगा एक्सटीरियर दिस इज अल्टीट्यूड ओके स्टूडेंट्स